नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का इस क्लास में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अब इस क्लास को आगे बढ़ाने की बारी जो है वह आ गई है। हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें बिहार से जो संबंधित है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अन्य से जो संबंधित है वह हम लोग भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने गुप्त वंश के शासकों के बारे में पढ़ा था और विष्णु गुप्त जो था वह अंतिम शासक था, वह हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद गुप्त प्रशासन के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा जाना। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वह है कला एवं संस्कृति। आप सभी लोग जानते होंगे कि कला एवं संस्कृति के विकास के लिए ही गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा जो है वह दिया गया है। तो साथियों, वही हम जो है शुरुआत करेंगे और ध्यान से इसको देखना है आपको। अगर आप बीपीएससी की पीटी परीक्षा में पास कर जाते हैं तथा मुख्य परीक्षा में जाते हैं और अगर आपका ऑप्शनल पेपर जो है वह हिस्ट्री है तो वहां पूछा जाता है गुप्तों की सांस्कृतिक देन के बारे में उल्लेख कीजिए, तो इसको आप पढ़िएगा तो यहां से बहुत सारा तथ्य मिल जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। या गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, समीक्षा कीजिए। या आप सहमत हैं तो यह आपको बहुत अधिक काम देगा। इसी को मिला करके वहां क्वेश्चन का आंसर जो है वह लिखा जा सकता है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे यहां पर गुप्त वंश। मैंने लिखा है यहां कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। इसी के लिए स्वर्ण काल की संज्ञा दे दी गई है। देखिए, कला एवं संस्कृति का प्राचीन काल की बात करें तो वह हड़प्पा सभ्यता से ही चला आ रहा है। मौर्य काल में और अधिक विकसित हुआ लेकिन गुप्त काल में आकर के इसका सबसे ज्यादा जो है वह विकास होता है। तो सबसे ज्यादा जब विकास होता है तो यहां पर अधिक महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा तथ्य भी निकल करके सामने आ जाता है। क्या क्या इसमें हम लोग शामिल करेंगे वह आपको देखना है। कला एवं संस्कृति में यहां लिख रहे हैं हम लोग धर्म, एक पॉइंट यह लेंगे। दूसरा स्थापत्य कला, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा चित्रकला, मूर्ति कला, विज्ञान एवं तकनीक, शिक्षा एवं साहित्य, इन्हीं सब चीजों की चर्चा जो है साथियों हम लोग करेंगे यहां पर। और यह महत्वपूर्ण सब पॉइंट है और इसमें से परीक्षा के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारा तथ्य जो है वह निकल करके सामने आ जाता है। तो एक एक करके हम लोगों को देखना है। पहले हम लोग धर्म को देखेंगे और धर्म के साथ साथ नीचे बढ़ते हुए हम लोग शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र पर अपना ध्यान जो है वह केंद्रित कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं हम यहां धर्म के बारे में। अगर धर्म को हम लोग यहां पर लाएं तो यह धर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप यहां पर देखिएगा एक एक करके हम लोग तोड़ तोड़ करके इसको पढ़ेंगे।
धर्म में पहला वैष्णो धर्म, वैष्णो धर्म, दूसरा शैव धर्म, बौद्ध धर्म, तो जैन धर्म भी होगा। अन्य तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ही आसान इसको किया जा रहा है। हम लोग कला एवं संस्कृति में को इतने भागों में बांट दिए, धर्म से लेकर के शिक्षा एवं साहित्य। अब पहला पॉइंट हम लोगों का धर्म है, तो धर्म को हम लोगों ने यहाँ पर फिर से विभाजन किया और वैष्णव धर्म के साथ साथ लेकर के यहाँ अन्य धर्म पर हम लोग आ गए। अब पहला हम लोग इसके बारे में जानेंगे, वैष्णव धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां से पॉइंट बनता है कि अधिकांश शासक जो थे वह किस धर्म के अनुयायी थे। तो अधिकांश शासक जो थे वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। एक बात और आप जानते होंगे, आपको बताना है कि इस वैष्णव धर्म को भागवत धर्म, भागवत धर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण जो थे इस धर्म के प्रवर्तक माने गए हैं, पढ़ा जाता है वैष्णव धर्म में। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान गुप्त काल में वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का था। परम भागवत की उपाधि गुप्त शासकों के द्वारा धारण किया गया था और यही धर्म को राजकीय धर्म के रूप में घोषित किया गया था। तो अगर परीक्षा में पूछे कि अधिकांश शासक किस धर्म के थे, तो आंसर क्या होगा, यहां भागवत धर्म जो है वह हो जाएगा, या वैष्णव धर्म जो है वह हो जाएगा। या दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूछ दे कि गुप्त वंश के शासकों ने किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्थापित किया था, तो वहां पर भी वही आंसर होगा, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। अब यह कह देने से तो होगा नहीं, अब इसको हम लोगों को प्रमाणित करना होगा कि हाँ, या कुछ साक्ष्य हम लोगों को बतलाना होगा। तो यह स्थापत्य कला हमने यहां लिखा है और स्थापत्य कला के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस धर्म से संबंधित भगवान विष्णु की मूर्ति जो है वह बनाया गया है। विश्व प्रसिद्ध है दशा अवतार का मंदिर जो झांसी में है, झांसी के देवगढ़ में। अनेक प्रकार के भगवान विष्णु का मूर्ति और मंदिर जो है वह बनाया गया था। तो साथियों, इनके सिक्कों से भी पता चलता है, जैसे समुद्रगुप्त ने गरुड़ प्रकार के सिक्का को जारी किया था, सवारी है भगवान विष्णु की, इसीलिए माना गया कि वह अभी वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो इस रूप में हम लोग कह सकते हैं कि यह धर्म पहले स्थान पर स्थित था। अब दूसरा यहां देख रहे हैं हम लोग शैव धर्म, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, उनके आराधना में लीन रहते थे, उन्हीं लोगों को शैव कहा गया और धर्म को शैव धर्म के नाम से संबोधित कर दिया गया। यहां पर आपसे अगर परीक्षा में पूछ दे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, कालिदास को कहा जाता है। और कालिदास जो है भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था हस्ती, वह भी शैव धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। साथियों, वीरसेन जो थे वह भी शैव धर्म के अनुयायी थे और उदयगिरि की पहाड़ियों में शैव भिक्षुओं के रहने के लिए गुफा का निर्माण कराया था। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि अशोक और उसके पौत्र
दशरथ ने आजीविकों के लिए गया में गुफा का निर्माण कराया, उसी तरह से वीरसेन का जो नाम आता है, इन्होंने भी शैव धर्म के भिक्षुओं के लिए गुफा का निर्माण उदयगिरी की पहाड़ी में कराया था। तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कालिदास खुद वर्णन करते हैं कि उज्जैन के महाकाल मंदिर का वर्णन करते हैं, और वहां पर देवदासियों को रखा जाता था। स्थापत्य कला में आप चलेंगे तो भगवान शिव की मूर्ति, भगवान शिव का मंदिर, मां पार्वती का मंदिर, इन सभी का प्रमाण जो है हम लोगों को मिला है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है, आपने देखा कि कार्तिकेय प्रकार का मयूर शैली का सिक्का जारी किया गया, जो सब शैव धर्म को इंगित करता है। इसलिए वैष्णव धर्म के बाद शैव धर्म का स्थान था, मतलब गुप्त काल में आस्तिक धर्म ज्यादा लोकप्रिय था, नास्तिक धर्म इसके बाद स्थान आता है। आस्तिक में हम लोग वैष्णव और शैव को शामिल कर सकते हैं, नास्तिक में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता हो उसको नास्तिक कहते हैं। तो यही है वैष्णव धर्म से संबंधित बात और शैव धर्म से संबंधित बात। बौद्ध धर्म तो आप खुद पढ़े हुए हैं, तो बौद्ध धर्म में अगर नहीं भी यहां बताया जाए तब भी आपको बहुत अधिक जानकारी अब तक के वीडियो के माध्यम से, अब तक के पढ़ाई के माध्यम से दे दिया गया है। बौद्ध धर्म भी यहां विकसित अवस्था में दिखलाई देता है, बहुत सारे उदाहरण मैंने बतलाया, उसमें से कुछ आप लोगों को जरूर जो है वह याद होगा और वह प्रमाणित कर देगा कि बौद्ध धर्म लोकप्रिय अवस्था में था। कोई एक उदाहरण बतलाइए आप 10 सेकंड का समय कि कैसे आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म लोकप्रिय था। तो साथियों यहां पर आप देखिए बौद्ध धर्म फाहियान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पहला चीनी यात्री जो भारत आया यह बौद्ध धर्म का भिक्षु था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। इसका मूल उद्देश्य था यहां से बौद्ध ग्रंथों को चीन ले जाना, बौद्ध धर्म स्थल का भ्रमण करना और बहुत सारी जानकारी जो है वह प्राप्त कर लेना। फो क्योंकि इसकी ग्रंथ है, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो यह साबित करता है कि बौद्ध धर्म विकसित अवस्था में था। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण अगर हम लोग बात करें तो बताइए दूसरा पॉइंट क्या होगा जो काफी महत्वपूर्ण है और वह साबित करता है कि बौद्ध धर्म यहां विकसित अवस्था में था। तो हम यहां लिख रहे हैं नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार की स्थापना इसी समय में किया गया था, और यह तो आप लोग जानते हैं कि नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का ही शासक था और यह था कुमार गुप्त प्रथम। तो इससे भी स्पष्ट हो जा रहा है कि बौद्ध धर्म यहां विकसित अवस्था में था। इसी समय गुप्त काल में ही भगवान बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ है, धातु निर्मित है। अब तो वर्तमान में चीन में बना दिया गया है, लेकिन पहले जब चीन में नहीं बना था तो सबसे लंबी विश्व की मूर्ति थी धातु की बनी हुई। तो वह भी प्रमाणित करता है कि बौद्ध धर्म यहां विकसित अवस्था में था। अमरका देव एक थे, नाम है अमरका। यह राज दरबार में ऊंचे पद पर आसीन थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे, मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी को भी राज दरबार में संरक्षण दिया गया था, पद दिया गया था, जो स्पष्ट करता है कि निश्चित रूप से यह धर्म भी लोकप्रिय था और राजाओं ने शासकों ने किसी भी धर्म से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। तो सभी धर्म अगर किसी राज्य में किसी देश में
प्रचलित हो, लोकप्रिय हो और राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करता हो तो उसको क्या कहा जाएगा? धर्म निरपेक्ष कहा जाएगा। जैसे भारत अपना देश जो है वह धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, इसका केंद्र का या राज्य का अपना अलग से कोई धर्म नहीं है। यहां पर अलग से धर्म था, राजकीय धर्म बनाया गया था, लेकिन सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान कर दिया गया था। इसलिए हम आप कह सकते हैं कि शासक जो थे वह धर्म निरपेक्ष शासक थे। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने इतना तथ्य जो है वह देखा, जिसमें दो आपको तो याद ही रहना चाहिए, फाहियान और नालंदा महाविहार। यह बार बार मैं इसलिए बोलता हूं कि बार बार इसलिए बोलता हूं कि यह परीक्षा में भी बार बार पूछा जाता है। तो मैं इसी तरह से हंसते खेलते आप लोगों को बतलाते हुए इस तथ्य को याद कराना चाहता हूं और आप लोगों को याद भी हो गया होगा। देखिए, इतिहास की जहां तक बात है तो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मुझे पूरा प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वह लगभग लगभग सब याद है। इसलिए मैं बोर्ड पर आप लोगों को ऐसे लिख करके बतलाता हूं, यह नहीं कि मैंने पहले से यहां लिख दिया है और उसको देख देख करके पढ़ाना। उस तरह से पढ़ाने में क्या होता है कि जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उतना ही हम आपको बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद है, वह चैप्टर पर पूरा पकड़ है, तो आप और भी ज्यादा बता सकते हैं, और भी अच्छी तरीका से समझा सकते हैं। और ग्रुप डिस्कशन अगर हो, जैसे आप अपने ऊपर लीजिए कि अगर आपको कोई टॉपिक याद है और आप ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं तो बेधड़क आप, बेहिचक आप बोलते चले जाते हैं, समझाते चले जाते हैं, लेकिन देख देख करके बोलने का क्या मतलब है कि आप उसी पेज तक बंद करके रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं यहां पर आप लोगों को लिख लिख करके समझाता हूं, चूंकि मुझे लगभग पूरा इतिहास जो है वह याद है। तो साथियों, बौद्ध धर्म यहां हो गया। अब बौद्ध धर्म के साथ साथ नास्तिक धर्म में जैन धर्म का भी विकास हुआ, जैन धर्म का भी यहां से प्रमाण हम लोगों को मिला है। तो कोई पॉइंट एक बताइए, आपसे पूछ रहे हैं कि कैसे आप कहेंगे कि इस समय जैन धर्म भी विकसित अवस्था में था। कोई एक पॉइंट, कोई एक व्यक्ति, इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं, एक घंटा चलता है वीडियो, लगभग 250 करीब दिखलाया जाता है, 225 के करीब देखते हैं लोग, लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग। लाइक कीजिए, लाइक करने से क्या होगा कि मेरा आत्मबल भी बढ़ेगा और वह देखा जाता है कि कितना इनको लाइक मिला। कुछ लोग डिसलाइक भी कर देते हैं, आप क्यों करते हैं यह मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि अच्छा से अच्छा आप लोगों को मटेरियल दे दूं और कोई त्रुटि नहीं रहे, फिर भी यहां किया जाता है। खैर, अपना अपना सोचने का नजरिया सबका अलग अलग है, हो सकता है मुझमें कोई त्रुटि हो जो मुझे दिखलाई नहीं दे रहा हो और उसके आधार पर दो तीन आदमी जो है नीचे जो है वह थम कर देते हैं। ऊपर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और जैन धर्म विकसित अवस्था में इसलिए था कि आप लोग पढ़े हैं 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में द्वितीय क्या हुआ, जैन संहिति। द्वितीय जैन संहिति का आयोजन बल्लभी में कराया गया था, गुजरात के बल्लभी में द्वितीय जैन संहिति का आयोजन हुआ था। और आप लोग जानते हैं कि यह चैप्टर जो है वह पढ़ा दिया गया है और यह गुप्त काल से संबंधित है, इसलिए यह भी प्रमाणित कर देता है कि जैन धर्म इस समय लोकप्रिय था। बल्लभी के साथ साथ मथुरा से भी जैन धर्म के प्रमाण हम लोगों को प्राप्त हुआ है, लेकिन हम लोग चूंकि बिहार से संबंधित पढ़ रहे हैं तो उसमें यह पॉइंट आ रहा है, इसलिए हम लोग इसकी भी चर्चा यहां संक्षिप्त रूप में कर रहे हैं। अन्य धर्म की बात हम लोग करें तो यहां पर सूर्य भगवान की पूजा का साक्ष्य भी हम लोगों को मिला, भगवान भास्कर, भगवान सूर्य की पूजा भी किया जाता था और सूर्य मंदिर का प्रमाण भी यहां से प्राप्त हुआ। माडा स्याप नामक स्थल है, जगह है माडा स्याप,
यहीं यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला में है, माडा से आप, और यहीं से वह प्रमाण जो है हम लोगों को प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण का मंदिर का भी प्रमाण हम लोगों को मिला है, कानपुर में जगह है भीतर गांव, और वहां से लक्ष्मण के मंदिर का प्रमाण जो है हम लोगों को प्राप्त हुआ है साथियों। तो यह है धर्म से संबंधित बात, कला एवं संस्कृति में हम लोग धर्म से संबंधित पहला पॉइंट जो है वह पढ़ रहे हैं। तो यही है निकल करके तथ्य यहां पर आया, आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें जो नहीं समझ में आया होगा वह कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो जब मैं लेकर के आऊं तो वहां पर आप लोगों को समझाने का प्रयास जो है करूं। अब इसके बाद हम लोग स्थापत्य कला के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हालांकि गुप्त काल से संबंधित स्थापत्य कला का प्रमाण जो है वह बिहार में नहीं के बराबर मिला है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ज्यादा मिला है। तो यहां पर हम लोग संक्षिप्त रूप में इसकी चर्चा करेंगे, विस्तारित रूप में हम लोग चर्चा भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहां पर करेंगे साथी। अब है स्थापत्य कला, यह आप देख रहे हैं स्थापत्य कला, और इसमें यहां मंदिर निर्माण शैली, मंदिर निर्माण। देखिए कला के क्षेत्र में तो हम लोगों का प्रमाण जो है वह हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। लेकिन जो विकसित अवस्था होता है देखने को मिलता है वह तो गुप्त काल में ही मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से हम लोग पढ़ेंगे भारत के इतिहास में कि हड़प्पा सभ्यता से पुरोहित का आवास का प्रमाण मिला है, धार्मिक कार्यों के बारे में जानकारी हम लोगों को मिली है, मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। तो एक पॉइंट बनेगा यहां पर और उसको याद रखना है कि मंदिर का निर्माण सबसे पहले किस काल में हुआ, तो वह काल कौन था, यही था गुप्त वंश का काल। परीक्षा में पूछेगा तो जवाब देना है कि सर्वप्रथम गुप्त काल में मंदिर का निर्माण जो है वह किया गया था। अब कुछ यहां मंदिर का बात आ जाएगी जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर दशा अवतार का मंदिर है, जैसे यहां देखिए दशा अवतार, गुप्त स्थापत्य कला की सर्वश्रेष्ठ कृति है यह दशा अवतार मंदिर, और देवगढ़ से, देवगढ़ जो है वह झांसी में है, यहीं से प्राप्त हुआ है भगवान विष्णु के 10 अवतार, इसलिए नाम दिया गया है दशा अवतार मंदिर। अब यहां पर भगवान शिव का मंदिर की बात करें, शिव मंदिर तो खो और भूमरा, यह बिहार से संबंधित नहीं है लेकिन पूछा जाता है तो संक्षिप्त में जगह केवल बतला रहे हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित है और भगवान शिव के मंदिर का प्रमाण यहां से मिला है। विष्णु तिगवा आएगा जगह, एमपी में ही है, यह भी विष्णु मंदिर, यह भी विष्णु मंदिर। मां पार्वती का मंदिर में
नचना कुठा, नचना जगह है, नचना कुठारिया भी एमपी में है, लक्ष्मण का मंदिर। भीतर गांव, यह कानपुर के पास है, तो यह कुछ मंदिर है जिसमें आपको सबसे पहले इसको याद रखना है, दशा अवतार का मंदिर कहां है, तो कभी देगा झांसी तो कभी दे देगा देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। और इन मंदिरों के दीवारों पर लक्ष्मी के, शंख के मूर्ति जो है, आकृति जो है, चक्र की स्थापित किया गया है, वह इसकी विशेषता को प्रदर्शित जो है वह कर देता है। तो पहले यहां से दो पॉइंट आप याद रखिए, मंदिर का निर्माण सबसे पहले किस काल में, तो गुप्त काल में, और दशा अवतार मंदिर निम्नलिखित में से कहां है, तो देवगढ़ है या झांसी है। यही है स्थापत्य कला से संबंधित बात। अब इसके बाद यहाँ चित्रकला और मूर्ति कला, तो चित्रकला के बारे में हम लोग संक्षिप्त जानकारी लेंगे, क्योंकि बिहार से इस तरह का प्रमाण नहीं मिला है, बाहर से मिला है, जो गुप्तकालीन है लेकिन बाहर से मिला है, तो थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं, विस्तृत हम लोग भारत के इतिहास में चर्चा कर लेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। अब है यहां चित्रकला, चित्रकला को मैंने यहां लिया है, तो गुप्तकालीन दो चित्रकला से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, और वह दो चित्रकला है, यहां देखिए, अजंता की चित्रकला और बाघ की चित्रकला। हालांकि यह बिहार का नहीं है लेकिन संक्षिप्त हम लोग जानेंगे, जो बार बार पूछा जाता है, तो क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है अजंता की चित्रकला में और बाघ की चित्रकला में, यह आप यहां देखिए, ध्यान से देखिए। जैसे पहला पूछा जाएगा कि यह अजंता की चित्रकला कहां है, तो औरंगाबाद। यह बिहार वाला औरंगाबाद नहीं है, यह महाराष्ट्र का औरंगाबाद है, औरंगजेब ने इस नगर का निर्माण कराया था, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र। अजंता की चित्रकला, अब यहां से कुल कितने चित्रकला जो गुफा के रूप में बना हुआ है यहां था, तो यहां पर 29 था, मैं लिख रहा हूं यहां पर 29 था, लेकिन वर्तमान में कितना सुरक्षित बचा हुआ है, तो वर्तमान में 6 जो है वह सुरक्षित बचा हुआ है, 29 में से 6 ही सुरक्षित बचा हुआ है, और यह जुड़वा के रूप में है, जैसे 1, 2, 9, 10, 16, 17, यह जुड़वा जुड़वा है, 1, 2 है, 9, 10 है, 16, 17 है। इसमें विद्वानों का कहना क्या है कि यह 16, 17 जो है वह गुप्तकालीन है। अब समझ में आया आपको कि कुल 29 गुफा जिसमें से 6 शेष बचे। साथियों, यह 16 और 17 जो है यह गुप्तकालीन माना गया है, तो यहां से प्रश्न कैसे पूछता है कि अजंता की चित्रकला औरंगाबाद में, यह तो याद ही रखना है,
अब दूसरा इसमें पॉइंट जो निकल करके सामने आएगा वह हम लोगों का होगा कि यह अजंता की चित्रकला जो है वह किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म। इसी धर्म से यह संबंधित है, तो यह चित्रकला भी प्रमाणित करता है कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म जो था वह लोकप्रिय था। आप इसे साबित कर सकते हैं। अब इसमें ज्यादा कठिन करेगा तो पूछेगा बौद्ध धर्म की किस शाखा से, तो महायान, महायान शाखा से हम लोगों को याद रखना है कि बौद्ध धर्म दो भागों में जो बटा था, हीनयान और महायान, तो महायान की शाखा से यह संबंधित था साथियों। और इसके बाद यहां जो हम लोग देख रहे हैं गुफा संख्या 16 और 17 जो गुप्तकालीन है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि इस गुफा संख्या 16 में मरणासन, मरणासन राजकुमारी का चित्र बनाया गया है। मरणासन राजकुमारी का चित्र, जब भगवान बुद्ध गृह त्याग करते हैं तो किसी को भी वह कुछ नहीं बताते हैं, तो उनकी पत्नी जो है वियोग में मरणासन अवस्था में पहुंच गई थी, तो उसी रूप में यहां दर्शाने का प्रयास किया गया है। गुफा संख्या 17 या 16 में है और यह 17 में है। यहां माता और शिशु, माता और शिशु का चित्र बनाया गया है जो देखने से करुणा का भाव, दया का भाव जो है वह प्रदर्शित करता है देखने पर। और अधिक संख्या में चित्र जो है वह गुफा संख्या 17 में ही बनाया गया है, इसीलिए इस गुफा संख्या 17 को चित्रणशाला कहते हैं, चित्रणशाला। अब एक और पॉइंट अजंता की चित्रकला से निकल करके आता है, यह जातक कहानियों पर आधारित है। जातक बौद्ध ग्रंथ है, जैसे यहां आप देख सकते हैं जातक, यह बौद्ध ग्रंथ का नाम है और इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्मों के कहानियों का वर्णन किया गया है और उसी कहानियों को यहां अजंता में चित्र के रूप में अंकित किया गया है। तो यह अजंता की चित्रकला जो है वह जातक कहानियों से प्रेरित जो है वह माना जाता है। तो यही महत्वपूर्ण तथ्य अजंता की चित्रकला से यहां के लिए निकल करके सामने आता है। अब बाघ की चित्रकला, यह भी गुप्तकालीन माना गया है, यह बाघ की चित्रकला। तो बाघ की चित्रकला, बाघ नदी, नर्मदा की सहायक एक छोटी नदी है यह बाघ नदी, इसी बाघ नदी के किनारे बाघ नामक गांव, बाघ नामक गांव से यह चित्रकला जो है वह मिला है, इसीलिए इसको बाघ की चित्रकला हम लोग कहते हैं। मध्य प्रदेश में है यह और यहां से कुल 9 गुफा का प्रमाण हम लोगों को मिला हुआ है। यह भी, यह जो बौद्ध धर्म आप देख रहे हैं, यह भी बौद्ध धर्म की महायान शाखा से ही संबंधित है। तो दोनों चित्रकला आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म में किस शाखा से संबंधित है, तो महायान शाखा से यह संबंधित है। स्पष्ट हो गया, आप प्रमाणित कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा में लिखते हैं कि इन प्रमाणों के आधार पर, इन साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है,
कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म और शैव धर्म के साथ साथ जैन बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ था, क्योंकि बहुत सारे प्रमाण जो है यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। तो यही संक्षिप्त बात है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हैं, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मूर्ति कला के बारे में। थोड़ा सा मूर्ति कला के बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। साथियों, यहां मूर्ति कला हम लिख रहे हैं, मूर्ति कला, आप जानते हैं कि मूर्ति कला तो बहुत प्राचीन समय से ही चला रहा था भारत में। हड़प्पा सभ्यता में ही मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो गया था। कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, एक बालिका की मूर्ति है जो धातु से निर्मित है और यह मोहनजोदड़ो से मिला है, बहुत विशिष्ट लक्षण माना गया है हड़प्पा सभ्यता का। और वहीं से भ्रष्ट मोम विधि के माध्यम से मूर्ति निर्माण करने के बारे में भारतवासी जो है वह जान गए थे। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो मौर्य काल में भी मूर्ति का निर्माण जो है वह किया गया, आधार मिला मौर्य काल में, और इसीलिए मौर्य कला हम लोगों ने पढ़ा भी है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो कुषाण काल, मौर्य काल के बाद भारत पर विदेशियों का आक्रमण हो गया, जिसको हम लोग भारत के इतिहास में पढ़ते हैं मध्य एशिया से संपर्क और उसका प्रभाव, इसमें चार वंश के बारे में पढ़ा जाता है जो हम लोग भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो कुषाण वंश के समय में भगवान बुद्ध की अनेकों मूर्तियों का निर्माण जो है वह किया गया था, गंधार कला विकसित हुई थी उस समय। और फिर सबसे ज्यादा मूर्तियों का निर्माण अगर किस काल में किया गया तो वह है गुप्त काल, गुप्त वंश के शासकों का काल। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे मूर्ति का निर्माण, विभिन्न धर्मों से मूर्ति का निर्माण जो है वह संपन्न किया गया है। जैसे आप यहां देखिए त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति हम लोग कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन सर्वश्रेष्ठ देवता, और तीनों को मिलाकर के एक में मूर्ति बना दिया जाता है। तो सबसे पहले त्रिमूर्ति का निर्माण किस काल में किया गया तो वह काल हम लोगों का क्या होगा, गुप्त वंश का काल होगा, और इसी समय में त्रिमूर्ति का निर्माण जो है वह किया गया था। कोई पिक आप देखते होंगे कैलेंडर वगैरह में, देखते होंगे कि आधा शरीर जो है वह माँ पार्वती का है और आधा शरीर जो है भगवान शिव का है, और उस मूर्ति को कहते हैं अर्ध नारीश्वर। अर्ध नारीश्वर की मूर्ति, तो अर्ध नारीश्वर की मूर्ति का भी निर्माण गुप्त काल में ही किया गया था। फिर आप कोई कोई पिक देखते होंगे या कैलेंडर वगैरह में देखते होंगे या सीरियल वगैरह में कि आधा भगवान शिव का और आधा भगवान विष्णु का, दोनों को मिला करके जिस मूर्ति का निर्माण किया गया उसको हरिहर की मूर्ति, हरिहर मूर्ति के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इन सभी मूर्तियों का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। गंगा, जमुना, अनेक पशुओं की मूर्ति का निर्माण भी इस काल में हम लोगों को दिखलाई पड़ता है। अन्य देवी देवताओं के मूर्तियों का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ। तो हम आप कह सकते हैं कि गुप्त काल में मूर्ति का निर्माण जो है वह चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया, और इसीलिए इसको स्वर्ण काल की संज्ञा जो है वह दी गई है। अब यहाँ पर बिहार से जो मिला है वह याद रखना है, वह परीक्षा में हम लोगों को पूछा जा सकता है। और यह धातु निर्मित मूर्ति है,
बिहार में भागलपुर के समीप सुल्तानगंज। यहीं से भगवान बुद्ध की तांबे की मूर्ति मिला है, जो विश्व में सबसे लंबा मूर्ति था, और यह बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ। लेकिन अब वर्तमान में चीन ने विश्व का सबसे लंबा धातु की मूर्ति भगवान बुद्ध की बना लिया है, तो अब इसको दूसरा स्थान जो है वह दिया जा सकता है। तो बिहार से संबंधित यह महत्वपूर्ण पॉइंट यहां बन जा रहा है। उसी तरह से कभी परीक्षा में पूछ दे कि पत्थर की, पाषाण की भगवान बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति का निर्माण कहाँ किया गया था, तो भारत से बाहर किया गया था, और यह जगह है बेग्राम। यह बेग्राम है अफगानिस्तान में। यहीं पर भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति जो पाषाण का बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ था, जगह का नाम है बेग्राम। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि अफगानिस्तान में कुछ समय के लिए तालिबानी सरकार की स्थापना हो गई थी। तालिबानी ग्रुप जो है वह आतंकवादी ग्रुप माना जाता है, और उन्हीं लोगों ने वहां पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, इसीलिए वह धरोहरों को तोड़ रहे थे, और उसी तालिबान सरकार ने बेग्राम में भगवान बुद्ध की मूर्ति को नष्ट कर दिया था। तो यह जो आप मूर्ति कला के अंतर्गत यहाँ पर देखे, यह भी स्वर्ण काल का परिचायक माना जाता है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए धर्म के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में, चित्रकला के बारे में, और मूर्ति कला के बारे में, विज्ञान एवं तकनीक तथा शिक्षा एवं साहित्य यहाँ पर साथियों बचा हुआ है। लेकिन विज्ञान एवं तकनीक थोड़ा विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार जो है वह पूछ दिया जाता है, और यह हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। अब हम लोगों का समय जो है वह आ रहा है, और वह समय है 10 क्वेश्चन जो है पूछने की। जैसे 5 से 10 किया गया है आप लोगों के कहने पर, तो 10 क्वेश्चन की बात अब यहां पर आएगी साथियों। तो वह 10 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वह हम लोग पूछेंगे कुमार गुप्त से, स्कंद गुप्त से, विष्णु गुप्त से, और मौर्य गुप्त प्रशासन से। चूंकि इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग वही पढ़े हैं, और आप लोग पढ़े हैं, और हम देखते हैं कि आप लोग सभी कोई, अधिकांश लोग जो हैं जो वीडियो देखते हैं, तो वह सही जवाब देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग जब सही जवाब देते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी देते हैं। उसी तरह से जवाब देना है, पढ़ना है, और अपनी तैयारी को स्वयं जांचना है। और यह अभी परखना है कि मैं जो आप लोगों को बतला रहा हूँ, मैं जो आप लोगों को दे रहा हूँ, क्या इसे बीपीएससी में कंप्लीट किया जा सकता है, आप खुद जज कीजिए। मैं जितना जानता हूँ वह आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एक चीज कि यहाँ से यह प्रश्न बनता है, यहाँ से वह प्रश्न बनता है। चूंकि इतिहास जो है लगभग लगभग मुझे संपूर्ण इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक याद है साथियों। यह मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते जो है वह याद हो गया है। तो अब चलिए 10 क्वेश्चन की बारी है यहाँ पर, और 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन, नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार का संस्थापक, दूसरा, किसके समय हून आक्रमण हुआ, तीसरा, ध्रुवाधिकरण
क्या था? चौथा हरी सेन किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में थे? पांचवा मंदसौर अभिलेख अभिलेख संबंधित है छठा नंबर हून आक्रमण का उल्लेख किस अभिलेख में? आपको अभिलेख का नाम बतलाना है कि किस अभिलेख में हुन का आक्रमण का वर्णन किया गया है। मिहिरकुल, किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म का अनुयायी था? धर्म के बारे में बतलाना है। आठवां चाट भाट क्या थे, क्या था या था या थे? आपको बतलाना है, शब्दावली है चाट भाट। नौवा भू राजस्व कहलाता था, दसवा भोग क्या था? तो यही आपका क्वेश्चन है और हमको पता है कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी जो है इसका जवाब दे दिए होंगे। 10 क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन की संख्या हम चाहें तो और यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन, वीर सिंह किसके दरबार में थे? 12 क्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? तो आप लगभग सबका आंसर जानते होंगे, हमें विश्वास है, और उसी विश्वास को लेकर के यहां पर मैं आंसर को लिख रहा हूं। नालंदा महाविहार का संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम आंसर हो जाएगा। किसके समय हुन आक्रमण हुआ? स्कंदगुप्त इसी के समय आक्रमण किया गया था। ध्रुवाधिकरण क्या था? राजस्व अधिकारी हम लोग पढ़े थे मौर्य काल में, राजस्व अधिकारी को समाहर्ता कहा गया और उसी अधिकारी को गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण कहा गया। हरिसेन किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त।
वही हरिसेन हैं यहाँ जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त से संबंधित है, यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे और बहुत बड़े पद पर संधि महाविग्रहिक और महादंड नायक के पद पर भी थे। तो बहुत ही योग्य व्यक्ति थे हरिसेन। मंदसौर अभिलेख संबंधित है कुमार गुप्त प्रथम। इसी के उपलब्धियों के बारे में मंदसौर अभिलेख में वर्णन किया गया है। यह मालवा क्षेत्र में स्थित है। हुन आक्रमण का उल्लेख किस अभिलेख में, अभिलेख का नाम बतलाना है किस अभिलेख में, तो भीतरी जगह का नाम है। मैंने पढ़ाया था तो बतलाया था कि भीतरी अभिलेख से हूनों के आक्रमण के बारे में हम लोगों को जानकारी जो है वह प्राप्त हो जाता है। तो वही है भीतरी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिहिर कुल किस धर्म का अनुयायी था। पहले तो मिहिर कुल कौन था, तो मिहिर कुल हुन आक्रमणकारी था, तोरमान और मिहिर कुल। और उसमें मिहिर कुल जो है वह सैव धर्म का अनुयायी था और इसी ने बौद्ध भिक्षुओं को सताने का भी कार्य संपन्न किया था। चाट भाट क्या था, यह शब्दावली है चाट भाट, तो मैंने बतलाया था पुलिस अधिकारी या पुलिस को चाट भाट कहा गया है गुप्त काल में। और मौर्य काल में कौटिल पुलिस को रक्षिन कहते हैं, रक्षा करने वाला। अब यहां देखिए भू राजस्व कहलाता था। गुप्त काल में भू राजस्व को क्या कहा गया, जो आय का मुख्य साधन था और जो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, तो भू राजस्व को यहां भाग कहा गया। भाग, अगर कोई ऊपरी कर लिखता है ऊपरी कर तो यह भी सही है। ऊपरी कर भी अगर आपने लिख दिया, आंसर दे दिया तो वह सही है। और कोई उद्रंग भी आंसर देता है तो वह भी सही है, लेकिन मुख्य रूप से यह पूछा जाता है। भाग याद रखिएगा। भोग क्या था, यहां लिख रहे हैं भोग, भोग उपहार, उपहार स्वरूप मिलने वाला कर। और जो गिफ्ट के रूप में दे दिया जाता था उसको भोग कहा गया है और इसी को ऋग्वैदिक काल में बलि कहा जाता था। उपहार स्वरूप मिलने वाले कर को वैदिक काल में बलि कहा गया और गुप्त काल में भोग जो है वह कह दिया गया। वीरसेन किसके दरबार में थे, यह हरिसेन के पुत्र थे और समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उसी के दरबार में चंद्रगुप्त। द्वितीय इसी के दरबार में रहते थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था। क्रमादित्य, एक है विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। एक है क्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था, स्कंद गुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि जो है वह धारण किया था। अंतिम क्वेश्चन है, महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण किया था, तो महेंद्रादित्य, कुमार गुप्त महेंद्रादित्य कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम। तो यही हम लोगों का आज का क्वेश्चन है और हमें पूर्ण विश्वास है
कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और सबका आंसर जो है वह सही रूप में दिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहां पर ले सकते हैं साथी। अब मैं आप लोगों को यह बतलाने जा रहा हूं कि मैं एक और वीडियो बना रहा हूं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। बीपीएससी मुख्य परीक्षा में कट पॉइंट के साथ मैं 762 63 बीपीएससी और 56 से 59 बीपीएससी का कट पॉइंट लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगा, जिसमें मुख्य परीक्षा का कट पॉइंट होगा और फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू जोड़ करके जो कट पॉइंट बनाया गया और जिस पर विद्यार्थी सफल हुए तो वह मैं आप लोगों के सामने ऐसे रखते हुए और तब मैं बतलाऊंगा कि मुख्य परीक्षा में किस तरह से आप तैयारी करें तो अच्छे अंक भी आएंगे और आप अच्छे अंक के साथ साथ इंटरव्यू में भी अच्छे अंक किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आपको आइडिया मिलेगा कि सीट जो है ना वह घटते बढ़ते रहता है बीपीएससी में, लेकिन रिजल्ट जो है वह बनता है तो वहां पर कितना अंक का अंतर आ जाता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि सीट की संख्या बहुत बढ़ा तो कट पॉइंट बहुत घट जाएगा, और कभी दिमाग में रहता है कि सीट तो बहुत कम है तो कट पॉइंट जो है वह बहुत अधिक हो जाएगा। तो इन सभी चीजों की जानकारी के लिए एक मैं वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा बहुत जल्द और उसको आप देखेंगे तो आप उसी के अनुरूप तैयारी करेंगे और तब आपको लगेगा कि नहीं बीपीएससी तो मैं भी कर सकता हूं और मैं इसमें पास होकर के अच्छा से अच्छा पद जो है वह प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन वह सब वीडियो जो है वह इसी बीच में लाया जाएगा, उस पर मैं काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा वह समझ में आए और इस तरह से उसको आपके सामने रखा जाए कि उसको देखने मात्र से आपको आभास हो जाए, आप में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, आत्मसंचार जो है 10 गुना बढ़ जाए, मनोबल ऊंचा हो जाए और आप दृढ़ संकल्प तो है ही और हो जाए और जम करके तैयारी करें कि ये तो मुश्किल काम नहीं है। अगर समय के साथ चलें और इस राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए थोड़ा सा कठिन मेहनत करें तो निश्चित रूप से सफल हुआ जा सकता है। तो यह एक सूचना था आप लोगों को देने के लिए और इसी तरह से बीच बीच में मुख्य परीक्षा ऑप्शनल पेपर कभी कभी जीएस तो कभी इंटरव्यू के बारे में वीडियो जो है वह लाया जाएगा। जो नए विद्यार्थी जुड़ते चले जा रहे हैं उनको इससे बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि वह नए रहते हैं तो उनको आइडिया नहीं रहता है और वह भटके नहीं इधर उधर, समय उनका बर्बाद नहीं हो, इसको ध्यान में रख करके वह वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। आज का हम लोगों का यही वीडियो था। अगले वीडियो में हम लोग विज्ञान एवं तकनीक, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और शिक्षा एवं साहित्य का अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामना। आप लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा हमें विश्वास है, और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।